शहीद के राम सुमैया यादव ने स्मृति के आजमगढ़ के जनपद के अनुसार शहीद के पैतृक गांव के श्रद्धांजलि समारोह मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने जहां देशभक्ति संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया कर और सभी का मन मोह लिया है। आज वही आजमगढ़ के गणमान्य समेत ही आम लोगों ने शहीद पर राम या सुमैया यादव की प्रतिमा का मोल प्रण किया है और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। शहीद के छोटे भाई पर मोर यादव ने बताया है कि 1997 में भारतीय सेना के भर्ती हुए राम सुमैया यादव ने 1999 और 33 अगस्त को शहीद हुए थे और बड़े भैया की स्मृति में हम लोगों ने सबसे पहले ही तिला जलाना में शुरू किया था और उसके बाद अपने पैतृक गाँव के हर वर्षीय मेले का आयोजन करना शुरू किया। हर वर्ष के आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में शहीद परिवार के परिजनों के सम्मानित किया जाता है। बताते चले कि इस बार 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम है, एक शहीद मेला का कार्यक्रम है। हमारे बड़े भाई थे जो 30 अगस्त 1999 में कारगिल में शहीद हो गए, तब से हम लोग एक शहीद मेला का आयोजन करते आए हैं। ये 19वां शहीद मेला है और इस मेले में मेले के मुख्य अतिथि कर्नल निखिल श्रीवास्तव हैं जो हमारे बड़े भाई के पोस्ट कमांडर थे, कारगिल युद्ध उनके साथ थे, उनको लीड कर रहे थे वो हैं। उसके बाद पूर्वांचल के जितने भी पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे उन्हें पूरे परिवार हैं और भी पूर्वांचल के शेष करीब 25-30 शहीद परिवार हैं जिनको हम अपने मुख्य अतिथि द्वारा और माननीय जिला अधिकारी द्वारा उनको सम्मानित कराएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा जी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को